तो दोस्तों, अगर आप भी जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी आप किसी कंपनी का जो है शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं, तो दोस्तों जब आप कंपनी का शेयर को किसी शेयर को ख़रीदते हैं तो आपको बेचना तो है ही, यानी आज बेचना है या कल बेचना है, आपको शेयर को तो बेचना ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक शेयर बेचने में कितना परसेंट का यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज लगाता है, यानी आप 10 शेयर को बेचेंगे उसमें कितना रुपया आपका ब्रोकरेज चार्ज काटा जाएगा, आपको पता है? अगर नहीं पता है ना तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी कंपनी का शेयर को खरीदते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी का आप जो 100 शेयर खरीदे या तो 500 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तो उसको आज खरीदे हैं तो आपको कल कभी ना कभी तो आपको बेचना है, ठीक है। लेकिन जब आप शेयर को बेचते हैं, यानी बेचना पड़ता है, या तो आप कभी भी बेचेंगे, आप जो इस बात पे नोटिस ही नहीं करते हैं कि इसमें ब्रोकरेज चार्ज आखिर कितना ले रहा है। तो दोस्तों मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले जो है किसी भी शेयर को बेचने पे भारत में जो है आमतौर पे ब्रोकरेज चार्ज जो होता है 0.01% से लेकर के 0.5% के बीच में लगता है। मान लीजिए कि किसी शेयर का प्राइस जो है 10,000 रुपया है, ठीक है, यानी आप उस शेयर को बेच रहे हैं 0.1% के ब्रोकरेज चार्ज पे, तो आपका जो है 10,000 का जो शेयर है एक शेयर का, उसमें आपको 10 रुपया काटा जाएगा। और कई ब्रोकर प्रति ट्रेड फ्लैट ब्रोकरेज शुल्क भी लेते हैं, जो कि आमतौर पे 10 रुपया से 100 रुपया के बीच में होता है। तो इस प्रकार से जो है ब्रोकरेज चार्ज करता है आपके शेयर को बेचने पे, ठीक है। बाकी आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।